नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज स्पेशल डिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ऐसे नंबर्स देखेंगे डिवीजन उनका जो कि नियर टू बेस हो गए। जैसे कि आपको पता ही होगा बेस क्या होता है, आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए आए हैं और जिनके लिए मेरी वीडियो पहली है उनको मैं बता दूँ, बेस मतलब जैसे कि होता है 10, 100, 1000, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ 95, तो 95 का बेस नियर क्या हुआ, 100, ठीक है ना। अब मैं बोलती हूँ 991, तो ये इट इज नियर टू बेस किसके पास, 1000, ठीक है। आपको समझ में आया। और एक और चीज मैं बता दूँ, अगर मैं आपको बोलूंगी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 95, तो क्या होता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इट्स जस्ट रिविजन फॉर दोज जो इस वीडियो में आए। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 मतलब 95 को कॉम्प्लीमेंट किया, ऑल फ्रॉम 9 मतलब इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना था, 9 माइनस 9 इज 0 एंड लास्ट फ्रॉम 10 इज 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 5। अभी मैं बोली फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 991, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 9 इज 0 एंड लास्ट फ्रॉम 10, 10 माइनस 1 इज 9, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 991। हो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि इस डिवीजन में कॉम्प्लीमेंट जानना, बेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं विद एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, 21324 डिवाइडेड बाय लेट्स से 99। अब आप इसको कैसे करोगे, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, क्योंकि इनिशियली अगर आपने फोकस कर लिया तो आगे के सारे एग्जाम्पल्स आप धड़ल्ले से कर लोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 99 में कितने डिजिट्स है फ्रेंड्स, 2 डिजिट हैं। तो हमें एक कॉलम बनाना है, आप मुझे कॉपी करेंगे, ऐसा कॉलम बनेगा। यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो कॉलम के इस तरफ हमें 2 डिजिट रख देने हैं इस नंबर से। बाकी कितने नंबर बचे हमारे, 213, ठीक है ना। समझ में आया आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ 99 में 2 डिजिट थे इसलिए हमने यहाँ पर 2 डिजिट रख दिए, और बच्चा हमारा रिमेनिंग 3 डिजिट जो हमने यहाँ रख दिए। और फिर हमें डिवाइड किससे करना है फ्रेंड्स, 99 से। गॉट इट, इतना स्टेप आपको क्लियर है, सिंपल है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ 99 फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 99 क्या होता है फ्रेंड्स, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, और 9 माइनस 9 इज 0 एंड लास्ट फ्रॉम 10 इज 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1। ध्यान रखिए आप 1 नहीं लिखेंगे, आप 2 डिजिट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 99 में 2 डिजिट है, तो आप 01 लिखोगे, आप सिर्फ 1 नहीं लिखोगे। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, पहले 2 यू का यू हमें ऐसे रख देना है, 2। गॉट इट, पहले वाले को कुछ नहीं करना है। आप ध्यान दीजिएगा ना, 2 1 जा 2, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, 02। गॉट इट, ये 02 कैसे आया, 2 into 1 दैट इज 02। ना 1 प्लस 0 कितना होता है, इट इज 1। अब नेक्स्ट स्टेप, 1 1 जा 1, तो क्या आएगा, 01। गॉट इट। अब 3 प्लस 2 प्लस 0 कितना हुआ, ये आपका कितना आएगा, 5। गॉट इट, अब तक आपको सब क्लियर है। अब 5 1 जा 5, तो क्या आएगा, 05। गॉट इट, समझ में आया। अब आपको यहां से ऐड करना होता है ना, 5 प्लस 4 इज 9 एंड 2 प्लस 1 इज 3, ये आपका आंसर आ गया। 215 आपका क्वोशेंट है और 39 आपका रिमाइंडर है। नहीं विश्वास हो रहा ना, अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना तो आप देख लो, 215 into 99 जो करोगे और फिर उसमें +39 कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इजंट इट वेरी इजी, बस थोड़ा आपको स्टेप ध्यान रखना है। बस ऐसे देखो, अगर आपको 99 को टेबल लर्न करनी पड़ेगी, 99 आप क्या करोगे, इसको कैसे करोगे, तो आप तो शायद ये सम ही छोड़ दोगे। इस स्टेप से आप बहुत आसानी से कर सकते हो, आई एम श्योर। अभी बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई है, चलिए हम और क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें मजा आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं 5 4 3 7 2 को आपको डिवाइड करना है 98। नाउ 98 इज नियर टू बेस 100, तो हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। 98 में 2 डिजिट होते हैं, तो हमें कॉलम्स बना देने हैं पहले सिंपल, तो क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इस कॉलम के इधर आपको 2 डिजिट लिख देने हैं। बचे हमारे 3 डिजिट, तो 5 4 3, और बाद में यहाँ पर आपने लिखा 98। आप क्या फ्रेंड्स, हमारा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ 98, तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 0, 9 माइनस 9 इज 0 एंड 10 माइनस 8 इज 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया फ्रेंड्स हमारा, 02।
अब पहले का नंबर हमें जू का जू लिख देना है, दैट इज फाइव। दूसरा में क्या है, फाइव इंटू टू इज टेन, टेन आ रहा है तो वन एंड जीरो। नाउ फोर प्लस वन इज आपका आएगा फाइव, फिर से आपको करना फाइव इंटू टू इज टेन। नाउ थ्री प्लस जीरो प्लस वन दैट इज इक्वल टू, इसको इन सबको आपको ऐड करना है, फोर। ठीक है ना, फोर टू जा एट, तो सिर्फ एट नहीं लिखना है, जीरो एट लिखना है। नाउ इधर से हमें एडिशन शुरू करना है, एट प्लस टू इज टेन, तो कैरी यहाँ आ जाएगा। नाउ सेवन प्लस वन इज एट, टणा, तो फाइव फाइव फोर आपका क्वोशेंट है और रिमाइंडर है आपका 80। आसान था ना, आई एम श्योर ये आपको बहुत आसान लगा होगा, समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। मुझे लग रहा है अगर आपको नहीं समझ, एक बार पॉज करके वापस कर लो, सोचो आपने अगर ये आपको इसको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये 10 से 12 सेकंड में कर लोगे, नहीं तो 98 की टेबल लर्न करने कहाँ जाओगे आप फ्रेंड्स। तो इसको आप एक बार लर्न कर लो, आगे और क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी, मैं सबके डाउट्स यहाँ क्लियर करके ही इस वीडियो को एंड करूंगी। नेक्स्ट करते हैं, सेवन एट टू टू वन को हम डिवाइड बाय 97। तो वही एज यूजुअल, पहले क्या करना है हमें, पहले हमें कॉलम बना देना है, दो डिजिट है तो कॉलम के इस तरफ दो डिजिट, और यहाँ पर आ जाएगा 782 और ये हो गया आपका 97। फर्स्ट स्टेप क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 97, तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 दैट इज 03। गॉट इट, आप 7 पहला वैसे का वैसा रख देंगे 7। नाउ 7 थ्री जा 21, तो यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 1। Now, 8 प्लस 2 कितना होता है फ्रेंड्स, 10, राइट? तो 0 यहाँ लिखना है, कैरी यहाँ एक आ जाएगा। क्यों 0 लिखा आप समझ गए ना, 8 प्लस 2 इज 10, तो आप 10 नहीं लिखोगे, आप 0 लिखोगे, कैरी यहाँ आ जाएगा। नाउ 10 इंटू 3 करना है, 0 इंटू 3 नहीं करना है। नाउ 10 इंटू 3 कितना होता है 30, एक सेकेंड, 10 इंटू 3 कितना होता है फ्रेंड्स 30, तो ये लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 0। नाउ इनको सबको आपको ऐड कर देना है, 3 प्लस 1 4 प्लस टू इज सिक्स, ठीक है ना, सिक्स थ्री जा 18, राइट, समझ में आ रहा है। नाउ यहां से एडिशन शुरू करेंगे, 8 प्लस 1 इज 9 एंड 2 प्लस 1 इज 3, टेना, तो अभी यहां पर याद रखें, यहां कैरी था तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, 0, 6, समझ गए फ्रेंड्स, ये आपका हुआ क्वोशेंट और 39 आपका हुआ रिमाइंडर। इसमें एक ट्विस्ट था, जब आपने देखा 8 प्लस 2 यहाँ 10 आ रहा था, तो एक तो पहले आपने कैरी लिया और दूसरा 10 इंटू 3 होगा, यहाँ पर इस नंबर से आप 0 इंटू 3 नहीं करोगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जब आप इस कॉलम में आते हैं तो आप इसको पहले ऐड नहीं करेंगे, आप यहाँ से मतलब पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, ठीक है, ये चीज रूल आप याद रखिएगा। चलिए हम और करते हैं जिससे आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाए, तो लेते हैं 7 8 1 4 3 लेट्स से बाय 96। आप कॉलम बना लीजिए पहले, अगर किसी को समझ में आ गया मुझसे पहले फिनिश करके नीचे आंसर्स आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ 43, यहाँ 781, यहाँ 96, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 96 इज 04, सुपर। नाउ 7 वैसे का वैसे लिख देना है, 7 4 जा 28, नाउ 8 प्लस 2 इज 10, कैरी गया 1, नाउ 10 इंटू 4 इज 40, 0 आ गया। नाउ 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, तो आपके पास 13 नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको 1 लिख देना है, ठीक है। नाउ 13 इंटू 4 कितना होता है फ्रेंड्स 52, 5 इंटू 2। अब आपको क्या करना है, इस तरफ से ऐड, मैंने बोला 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, और इधर आपको इन सब के जो कैरी है पहले इनको कर दीजिए, इट विल बी 7 प्लस 1 इज 8, इट विल बी 1, इट विल बी 3, तो दिस इज योर क्वोशेंट एंड 95 इज योर रिमाइंडर, टाटा। वो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तक आपको बहुत आसान लग रहा होगा, मुझे लगता है मजा भी आ रहा होगा,
लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा दूंगी जहां पर लेट्स से ये जो इस कॉलम को आप रिमाइंडर मान लो और इस कॉलम को आप क्वेश्चन मान लो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनको कैलकुलेट करो तो कैरी आ सकता है, तो जब इनकी कैरी आएगी तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो उसका भी एक हम सम ले लेते हैं। समझ रहे होंगे आप फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तक क्या था कि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन के कॉलम्स में ही आपकी कैरी आ रही थी तो आप उनको ऐड कर रहे थे, लेकिन कभी कभी रिमाइंडर लेट्स से यहाँ पर 6+4 आ जाता तो यहाँ आप 10 लिखते और कैरी एक 1 पर आता। ठीक है, वो कैसे करोगे वो मैं आपको एक समझा देती हूँ ताकि आपको मजा आए और आप इस ट्रिक को हर जगह अप्लाई करो। चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन होगा आपके लिए। 456 7 8 आपको डिवाइड करना है लेट्स से 98 से। ठीक है, इस पे बहुत फोकस करिएगा, ये थोड़ा मैंने इम्पोर्टेंट आपके लिए लिया है। तो कुछ नहीं, पहले कॉलम बना लो आप लोग। इट इज लाइक 7 8 एंड इट इज लाइक 4 5 6 और यहाँ पर हो गया आपका 98। इतना समझ में आ गया आप लोग को, इतना हमें आता है करना। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 0 2 पहले 4 वैसे का वैसा, 4 4 2 8 दैट इज 0 8। नाउ 5+0 इज 5। नाउ 8+6 आई एम सॉरी, नाउ 5+0 इज 5। नाउ 5 2 10 1 एंड 0। Now you have to add all this. 8+1 is 9. 9+6 is 15, right? तो नीचे आपका आएगा 5, कैरी जाएगा 1। अभी क्या करना है? आपको 5 × 2 करना है? नहीं, आपको 15 × 2 करना है। तो 15 × 2 फ्रेंड्स क्या होता है? 30। तो दिस इज 3 हियर एंड 0 हियर। अब जो मैं आपको बता रही थी ना पहले, लेकिन जैसे यहाँ पर हम यहाँ से इस तरफ से ऐड करना शुरू होंगे, इट विल बी लाइक 8+0 इज 8। नाउ 7+3 इज 10। अब आपका यहाँ 108 आया है। क्वेश्चन क्या आपका यही है? क्वेश्चन आपका अभी, क्योंकि यहाँ पर कैरीज को लिख देते हैं 4 6 5, ये अभी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। और रिमाइंडर 108 कैसे आ सकता है? क्योंकि यहाँ तो हमारा इसका जो आपका डिविडेंड है वो 98 है, डिवाइजर सॉरी। तो इसको डेफिनेटली 98 से आप इसको एक बार तो 108 को जाने दे सकते हो, इतना तो आप समझते हो ना। इट्स लाइक 108 को अगर आप ऐसे करोगे तो आपको मालूम है इट विल कम लाइक 10, राइट? तो रिमाइंडर आपका 10 आएगा। लेकिन अगर मैं आपको, तो जब ये जो आपका जो 1 आएगा ना, तो ये 1 आपका कैरी आ जाता है इधर। ठीक है, इट्स लाइक हियर। ठीक है, तो आपका आंसर, आपका क्वेश्चन हो जाता है 4 6 6 और आपका रिमाइंडर आ जाता है 10। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, आपको ये सब करने की बजाय अगर मैं आपको सिंपल सा स्टेप बताऊं, आपको जैसे यहाँ 108 आया है, आपको क्या करना है? आपको इस एक बात तो क्लियर ही है कि ये 1 से जाएगा, तो आपने यहाँ कैरी कर दिया, इतना आपने कर दिया। बाद में आपको इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आप इसको 108-8 माइंड में भी कर सकते हो। इट्स सिंपल। या एक और आपको स्टेप बताऊं इसका फ्रेंड्स, इज ये इट इज नियर टू, कितना इससे नियर 100 में है? 2। और ये कितना है नियर टू 108? आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? 108 से कितना आगे है 100 के? 8 से, 8 का डिफरेंस इधर। तो अगर आप 8+2 करोगे तो भी 10 आता है। ये थोड़ा ट्रिक था जो मैंने आपको बताया। आप समझ गए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बोला है? तो ऐसे आपका रिमाइंडर आ गया 10 और आपका क्वेश्चन आ गया 466। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो 466 × 98, जो भी आंसर आएगा उसमें +10 कर देना, आपका 4 5 6 7 8 आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो क्या एक और क्वेश्चन ले लें? तो चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आई एम श्योर जिसमें आपको मजा आएगा। इट इज लाइक 8 8 2 0 1 2 डिवाइडेड बाय 98। क्या करना है आपको? सिंपल स्टेप्स तो हम कर ही लेते हैं। दो डिजिट है इसलिए इस तरफ 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 8 8 2 0 आ जाएगा और यहाँ पर 98 आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर फॉर्म कर लें तो 8 वैसे का वैसा रहने देना, 8 8 2 16, 8+1 इज 9, 9 2 18, 6+1+2 इज 9, फिर 9 2 18, 8+1 इज अगेन 9, ना 9 2 18, ना 8 इधर से इस तरह से हमें करना है एडिशन। 8+2 इज 10, कैरी 1, नाउ 8+2 10+1 11। तो अभी ना तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, ना ये आपका फाइनल रिमाइंडर है। 110 इज डिविजिबल बाय 98 हमें पता है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कभी भी ऐसा आया कर, या तो आप 110 माइनस 98 कर दो सीधा,
वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, और आपको यहाँ पर, क्योंकि ये 1 से जाएगा 110/98, तो यहाँ पर एक कैरी लगा देना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ कैरी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 9+1 इज 0, कैरी 1, 0, कैरी 1, 0, और ये हो गया 9। तो क्वेश्चन तो आपका 9 आ गया। अब ये 110-98 करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर, रिमाइंडर आएगा आपका 12। गॉट इट? या दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 110 कितना 100 से आगे है, 10 से आगे, और 98 कितना 100 से कम है, 2 से। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो भी आपका रिमाइंडर आ जाएगा। हो फ्रेंड्स, आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। आप ये मैंने, या तो आप सीधा 110-98 कर दो, वो रिमाइंडर है सिंपल, और कैरी यहाँ 1 कर दो, या इस तरह से भी आप कर सकते हो, बेस से वो कितना आगे, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो कर सकते हो। ये एक ट्रिक होता है, इसको प्रैक्टिस बहुत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत मजे आते हैं। जनरली 98, 94, 93 या 995, 992 कैसे करोगे, तो ऐसे ही किया जाता है। आगे मैं और भी सीरीज में वीडियोज लाती रहूंगी। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो प्लीज चेक करते रहें और अपनी स्पीड को बढ़ाते रहें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।